जानते हैं कि आज सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और हमारे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गुलाम कादर डैंग साहब अपनी पूरी टीम के साथ जो है आज रिपब्लिकन पार्टी इंडिया में शमूलियत की है, तो इनका मैं अपनी तरफ से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हरबीत जी शासन जी हैं हम अपनी तरफ से इनका बहुत थैंक्स करते हैं। और इनके साथ साथ पंकज लंगे जी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी आज इस पार्टी का दामन थामा है, उनका भी वेलकम करते हैं। उसके अलावा हमारे मोहम्मद अदरीस जी जो धूमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका भी हम बहुत थैंक्स करते हैं। मोहम्मद आजम जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील मंडी से हैं, उसके अलावा सदाम जी हैं बठिंडी से हैं, राजिंदर जी हैं वो भी नेशनल अवामी पार्टी से जुड़े हैं। तो जैसे जैसे जिस तरह से आज हमारी पार्टी का जो ग्रोथ आप देख रहे हैं कि इस महीने लगभग चौथी जॉइनिंग यहाँ पे हो रही है, कल मैंने पीर पंचाल का दौरा भी किया, मैं रजौरी में था, नौशहरा में था, और बहुत अच्छा स्वागत जो नौशहरा के लोगों ने वहाँ पे किया, और हर एरिया में जाके लोग दुखी परेशान हैं। मैंने कल बॉर्डर एरिया का दौरा भी किया, LOC के पास गया, और बहुत बड़े जो वादे किए थे लोगों के लिए कि उनको शेल्टर दिया जाएंगे, उनको जो है वहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, लोगों की जो जान माल का तहफ़ होगा, लेकिन लोग थे डरे हुए सहमे हुए, तो बहुत बुरे हालात है बॉर्डर के लोगों के भी। तो मैंने उसी टाइम अपने जो नेशनल प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कॉल वहाँ से की और मैंने कहा कि सर यहाँ लोगों की जो परेशानियाँ हैं बहुत बुरी, और उन्होंने कहा कि आप मुझे रिटर्न में दीजिए, और आज शाम को हम मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब से रात को मेरी मीटिंग से रात को लेट पहुँचे, और आज हम एक जो पूरा एक मेमोरेंडम दिल्ली भी फॉरवर्ड करना करेंगे और हम पार्लियामेंट में इस आवाज़ को उठाएंगे। तो हम लोगों को ये जो झूठे वादे नहीं करेंगे, जो इस मैनिफेस्टो बनाते हैं फिर पता नहीं भूल जाते हैं, और फिर जब बोलते हैं कि मैनिफेस्टो वहाँ पर रखा फिर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये जो नासूर हैं खासकर डिलीजर्स कहते हैं कि गंदी नाली के कीड़े हैं, और ये कहते हैं कि ये पिछली सरकारों का दिया हुआ दहेज है, लेकिन हम जो इनको दिखा देंगे कि हम गंदी नाले कीड़े नहीं हैं, हम ही सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बाय दी पीपल फॉर दी पीपल और ऑफ दी पीपल, कि लोग ही सरकार बनाते हैं और लोगों के लिए सरकार बनाई जाती है, लेकिन जब 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 लोकतंत्र खतरे में पड़ा है तब तो लोगों को जागना पड़ा है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आज हमारी सीनियर टीम हमारे साथ जुड़ी है और ऐसी कई जॉइनिंग अब कश्मीर के अंदर भी होने जा रही है, जम्मू के अलग अलग एरिया में होने जा रही है, और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर रिपब्लिक ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की जो एक सबसे पहले चॉइस बनेगी, और हम उन लोग हम क्यों जमीन लोग जो हैं हम जमीन लेवल से लोग जुड़े हैं, हमारे पास कोई बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन वो चेहरे हमारे पास हैं जिन जो लोग लोगों को कुर्सी में बिठाने का काम करते हैं। अगर ये वक्त रहते हुए लोग नहीं सुधरे तो आने वाले असेंबली में यहाँ की जनता इनका जो जवाब इनको दिखा देगी।